नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आए हैं कि नई रणनीति क्या होगी, क्योंकि आपने रिजल्ट देख लिया। मैं तमाम अपने परिवार के सदस्यों से माफी चाहता हूं कि मेरा कुछ अनुमान गलत पाया गया। मैंने अजीत जोगी जी के बारे में जो बताया, वह कहीं न कहीं से वो अनुमान गलत हो गया, परंतु मेरा जो अनुमान बहन मायावती जी के लिए था, वह तीनों राज्य में काफी अच्छा और सटीक बैठा है। तीनों राज्यों में वोट प्रतिशत बहन मायावती का काफी अच्छा पाया गया है और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह बहन मायावती सरकार से जुड़ी हुई रहेगी अथवा वो सरकार कमजोर सरकार हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का हमारा थंबल है कि अगली चुनौती कौन, यानी आगे का चुनौती कौन होगा, राहुल गांधी जी होंगे या बहन मायावती जी होंगे। क्योंकि बहन मायावती जी ने यह साबित कर दिया कि पड़ोसी राज्य में भी उनकी धमक है। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जो हम अनुमान लगाकर चल रहे थे कि दलित, बहुजन और ये आपके अल्पसंख्यक और जितने भी मूल निवासी हैं जिनको हम ओबीसी कहते हैं, ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, परंतु हमने देखा कि दलित और बहुजन जो भी हैं वह बहन मायावती जी के साथ हैं। हमने ओबीसी को पूरी तरह अपने प्लेटफॉर्म पर स्थिर नहीं कर पाए हैं। हमने इस चुनाव में यह भी पाया कि बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर है वह कांग्रेस में खिसक गई। सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी मतदाता को हम रिझा नहीं पाए, हम अपनी भविष्य की योजनाओं से अवगत नहीं करा पाए। कल का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा राहुल गांधी जी का, उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी को भारत मुक्त नहीं करेंगे, हम किसी को मुक्त नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को लाएंगे। इसका मतलब यह है कि वह शालीनता की राजनीति करना चाहते हैं और देश की जनता सब देखती है। हम आग्रह करेंगे सभी बहुजन समाज के लोगों से, हमें अपनी ताकत जरूर दिखानी है, परंतु हम शालीनता बनाए रखें, क्योंकि देश को शालीनता पसंद है। आपको हम कई उदाहरण दे सकते हैं कि इस देश की जनता आंसुओं से हार जाती है। जैसे कि जब माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, तो उस वक्त राजीव गांधी जी आंसू बहाए थे, उनको 400 सीट मिल गया था। और जब भी आप कभी माननीय मोदी जी को देखते होंगे, वह बात बात में आंसू बहाते हैं, चाहे वो आंसू जो भी हो, जैसा भी आप नाम दे दे, परंतु जनता प्रभावित हो जाती है। हम अपनी शालीनता बनाए रखें, और हमने यह पाया कि बीजेपी का एक प्लान सफल होता दिख रहा है इस चुनाव से, क्योंकि बीजेपी को सामने अटैक करने के लिए राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के रूप में चाहिए थे, परंतु वैसा ही हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी को वो सॉफ्ट टारगेट मानते हैं और शहजादे, महाराज, महारानी और इस तरह की और 70 सालों की कहानी कहकर वह 2019 का चुनाव जीतना चाहेंगे, परंतु बहन मायावती के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है बीजेपी को। क्या वो ये कहेंगे कि इस दलित महिला को वोट मत दो? बीजेपी क्या ये कहेगी कि दलित, शोषित और पीड़ित समाज को कुचल दो, इनको वोट मत दो? क्योंकि बहन मायावती जी के खिलाफ उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं, इस बार नोटा के ऊपर 15 लाख वोट पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 99% आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई है, इसलिए विपक्ष में या तो राहुल गांधी नजर आए अथवा बहन मायावती जी। अब बहन मायावती जी बिल्कुल निष्पक्ष नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि
आगामी प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी के सामने अगर कोई होगा और बेदाग चेहरा होगा तो बहन मायावती जी का। आपका जो मंतव्य है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज राजस्थान में भी काफी अच्छा रहा, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा रहा और छत्तीसगढ़ में भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो कुल मिलाकर हमने यह देखा कि बहन मायावती जी उभर कर ऊपर आए हैं और विपक्ष उनको सुनेगी और सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम आपको पल पल के कमेंट्स और पल पल के न्यूज लेकर आते रहेंगे आपके लिए और राजनीतिक हलचल बताते रहेंगे। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स जरूर करें। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।